असलम स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर चैनल विद एनादर टॉपिक फॉर आय लाइफ स्किल्स ए वन स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नाव डज एज आई गॉट टू नो मुझे पता चला है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं द टॉपिक इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगेन

While ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इस इसका मतलब यह है कि वो आपसे कह रहा है कि इस बंदे से पूछो उन उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछो जो ये फेस करता है जिनका ये सामना करता है जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करता है तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करता है वट प्रॉब्लम्स डज ही फेस ये टॉपिक है दिस इज द टॉपिक टॉपिक इज नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यस इज इट इज अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट द टॉपिक इज वाट प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंपली सो गोइंग फर्दर बिफोर डैट बिफोर गोइंग फर्दर वी शुड लुक एट द पॉइंट्स दो वी शुड कीप इन आर माइंड वाइल आस्किंग बिफोर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए सो सबसे पहला अगर पॉइंट आ जाता है

मतलब एक्यूरेसी से मतलब कि आप वो टाइम पे जाती हैं और गाड़ियां टाइम पे वक्त पे पहुंचा देती हैं कि नहीं ठीक है पहले ये प्रॉब्लम जो फेस करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर मैं इफ आई इफ आई लुक अराउंड इफ आई आस्क डिफरेंट पीपल आई गेट टू नो दैट पीपल आर सेइंग थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ वी ट्रेवल वी गेट लेट बिकॉज दे आर नॉट एक्यूरेट देन सेकेंड प्रॉब्लम that uh, we can face while traveling by public transport mostly uh, like in uh, local buses in uh, my country is crowd overcrowded uh, passengers that is also a problem that uh, we face then देट इज़ अ प्रॉब्लम दैट पीपल मोस्टली फेस इज़ मिस बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर और मिस बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन इन पाकिस्तान सो मिसहेवियर ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि फेस करते हैं स्टूडेंट्स तीन पॉइंट्स हो गए दैन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ठीक है इन्वायमेंटल प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट uh, की प्रॉब्लम भी होती है बाज़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो uh, शीशे वग़ैरह खुले होते हैं और बहुत सी uh, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिनके पास से वो गुज़रती हैं तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दूसरा uh, गाड़ियों के दुओं से बहुत ज़्यादा इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स जो है ना वो फ़ेस करता है बंदा वाइल्ड ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये कुछ uh, हैं देन समाइम्स इट इज लाइक एक्सपेंसिव आल्सो सम हाउ एक्सपेंसिव स्लो एक्सपेंसिव भी कर रहे हैं आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओके okay जी टॉपिक शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क टू द अदर पर्सन दैट डू यू फेस प्रॉब्लम्स पब्लिक वाइल्ड ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉट ओके okay. पहले सबसे उससे पूछना है कि आप प्रॉब्लम्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब सफ़र करते हो तो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं तो वो बंदा uh, अगर नो no कहता है तो फिर आपने क्या करना है फिर आपने प्राइवेट uh, ट्रांसपोर्ट पे आ जाना ये मैं हिंट दे रहा हूँ एक वैसे करेगा नहीं नो no नहीं करेगा वो बताएगा यस आई फेस प्रॉब्लम्स वाइल ट्रैवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो कहता है कि नो आई डो नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर आ जाएँ आप किस किसी और किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बस के बारे में पूछना शुरू कर दें ठीक है so, सो उससे यह पूछना शुरू कर दें कि हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये चीजें पूछना शुरू कर दें ठीक है इफ़ यस वो कहता है यस yes, तो आपने केना है ओके देन इज ओवर क्राउडिडनेस इज आल्सो या फिर आप सिंपल जो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ डू यू फेस अवर रश प्रॉब्लम्स वाइल यू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर क्राउडिड प्रॉब्लम वाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो अवर क्राउडनेस होती है अवर क्राउड क्राउडिड होती हैं वो बसेस जो हैं आप उसके बारे में सबसे पहले पूछ सकते हैं ठीक है देन uh, uh, आप उससे पूछें Uh, how often do you face this problem while uh, traveling by public transport? आप कितनी बार मतलब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं आई फेस अवर क्राउड प्रॉब्लम आलमोस्ट एवरी टाइम आई ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ये कह सकते हैं देन uh, uh, when डिड यू फेस दिस प्रॉब्लम लास्ट टाइम ये पूछें उसे कि आखिरी बार कब ये प्रॉब्लम फेस की थी इट वॉज आई थिंक टू मंथ्स अगो ये जवाब दे दें दे आप ठीक है टू मंथ्स अगो आई फेस दिस प्रॉब्लम लास्ट टाइम देन आप uh, पूछ सकते हैं हाउ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर डू यू आल्सो फेस मिसबिहेवियर ऑफ द ड्राइवर और द कंडक्टर आप क्या उ, उनका मिसबिहेवियर भी फेस करते हैं या नहीं करते हैं वो भी है कि नहीं है डज इट आल्सो एग्जिस्ट और नॉट इस तरह से भी पूछ सकते हैं ठीक है हाउ अबाउट हाउ अबाउट मिस बिहेवियर प्रॉब्लम वाइल ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन ठीक है तो वो कहेगा यस आई दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम वाइल ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर उसी तरह पूछें हाओ ऑफ़न डू यू सी दिस प्रॉब्लम हाओ ऑफ़न डू यू सी दिस प्रॉब्लम वाइल्ड ट्रेवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी बार आप ये प्रॉब्लम देखते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई सी दिस प्रॉब्लम देन वैन डिड यू फेस दिस प्रॉब्लम लास्ट टाइम वही क्वेश्चन पूछें आप ठीक है uh, उसके बाद आप पूछें वट हैपन्ड क्या हुआ था सो so, आप कह सकते हैं ही वॉज आस्किंग मी फॉर स्टैंडिंग अप लाइक इट वॉज ही वॉज आस्किंग मोर एंड मोर पीपल टू कम इन साइड द बस वाइल देर वॉजन वॉजन द स्पेस फॉर देम अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी स्टिल ही वॉज आस्किंग द कंडक्टर वॉज आस्किंग पीपल टू कम इन साइड द बस दैस वाई आई हैड डिसग्रीमेंट विद हिम मैंने कोई डिसग्रीमेंट किया उससे देन फाइट स्टार्टिड जो भी आपने स्टोरी बनानी है शॉर्ट सी बना लें अपने शॉर्ट अल्फाज में ठीक है uh, फिर आप उस, उसको एक्यूरेसी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ गुड इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिगार्डिंग एक्यूरेसी आर दे एक्यूरेट इन योर कंट्री इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्यूरेट एंड एफिशियंट इन योर कंट्री और नॉट आप इसके बारे में पूछें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एफिशियंट है आपके कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या नहीं वो अगर कहता है कि नो नॉट दैट मच एकट सो आप उससे पूछ सकते हैं वेन डिड यू लाइक फेस दिस प्रॉब्लम हाउ लॉन्ग बैक ये पूछ सकते हैं आप ठीक है Uh, फिर आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत से और पॉइंट्स हैं जो कि लाइक like, uh, आप उससे यह भी कह सकते हैं कि सो आर देर एनी सोल्यूशनस आप उसके सोल्यूशंस पूछ सकते हैं उससे कि वट आर दी सोल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स फिर आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वट आर दी तो आप uh, कह सकते हैं कि दे शुड बी अ मोनीटरिंग बॉडी दैट मोटीन मोनिटर्स पब्लिक their behavior their uh, their बिहेवियर देर देर कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स शुड भी वेल ट्रेंड एंड educated people. ड्राइवर्स जो हैं वो एजुकेट पीपल होने चाहिए उनको ट्रेन किया जाना चाहिए और एक्यूरेसी uh, के बारे में भी देर शुड भी टाइम टेबल आप उसको सोल्यूशंस भी दे सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि वाट आर of these problems? Do you have any solutions? सो so, uh, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आए मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक आज का मजीद इस पर कई पॉइंट्स होंगे जो आप लोग निकाल सकते हैं आपने सोच लेना है मैंने क्विकली एक वीडियो बना दी है जो ही मुझे पता चला ये टॉपिक आ रहा है मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अनटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए